नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS स्टडी ट्रैक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित चैन में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये तथ्य हिंदी में, तत्सम और तद्भव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से कुछ नियम हम आपको बताएंगे, कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो तत्सम ही होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज तत्सम का। तो तत्सम और तद्भव, तो तत्सम का अर्थ होता है, तत्सम मतलब होता है तत् और सम मिलकर बनता है तत्सम। तत् मतलब क्या होता है, उसके समान, और उस तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब क्या हो जाता है, समान, मतलब उसके समान इसका अर्थ हो जाता है। मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और वैसे के वैसे ही प्रयोग हिंदी में किए जा रहे हैं, वो कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। जैसे कि बात करें वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका ज्यों का त्यों प्रयोग जो है हिंदी में किया जा रहा है, ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। बात करें अर्ध तत्सम, जी हाँ दोस्तों, अर्ध तत्सम भी होते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि संस्कृत के वे शब्द जिनका सामान्य भाषा में आने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन हुए, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है वो अर्ध तत्सम, और ज्यादा परिवर्तन हो गया वो तद्भव। जैसे बात करें वर्षा, तो वर्षा क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि वर्षा ये क्या है, अर्ध तत्सम है, क्योंकि इसका थोड़ा सा परिवर्तन हुए, और बरसात की बात करें तो ये ज्यादा परिवर्तन हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फिर कृष्ण, ये तत्सम शब्द है, और किशुन अर्ध तत्सम हो जाएगा, और कान्हा का क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। तो थोड़ा सा परिवर्तन हो वो अर्ध तत्सम, और जो है ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है वो तत्सम, और ज्यादा परिवर्तन हो गया है वो तद्भव। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें तद्भव की, तो तद्भव शब्द तद धन भाव से ये मिलकर बना है, और इसका अर्थ होगा कि उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज उनको जो है बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किया जा रहा है हिंदी भाषा में। सबसे पहले हम बात करें आम्र की, तो आम्र तत्सम है, लेकिन उससे उत्पन्न हुआ जो आम है वो क्या है, तद्भव है। इस प्रकार से आम्र का जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो आम किया जाता है, वो तद्भव कहलाएगा। उज्ज्वल क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव इससे निकला हुआ जो शब्द है, जो परिवर्तित रूप है वो होगा उजाला, ये प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमें तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव, ये शब्द हमें समझ में आ गए कि तत्सम क्या है, ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, अर्ध तत्सम थोड़ा परिवर्तन हुआ है, और ज्यादा परिवर्तन हुआ है वो क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। अब बात करें इसके कुछ नियम, कुछ ट्रिक हैं, कुछ शब्दों हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि बे शब्द प्राय तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, कौन से शब्द, तो वो चीज हो जाएगी यहाँ पर। तो छा का जैसे बात करें कि छा का प्रयोग जो जिन शब्दों में होता है वो प्राय कैसे होते हैं, संस्कृत शब्दों में होता है, वो प्राय कैसे होते हैं, तत्सम शब्द ही होते हैं। जैसे बात करें अंगरक्षक, अंगरक्षक में छा का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। फिर छी का प्रयोग हुआ है तो ये भी तत्सम है। उपेक्षा में छा का प्रयोग हुआ है ये भी तत्सम है। लक्ष्य में छा का प्रयोग हुआ है ये भी तत्सम है। क्षति में हुआ है ये भी तत्सम है। और नक्षत्र और क्षीण में हुआ है तो ये भी तत्सम है। तो यहां पर बात हो रही है कि छा का प्रयोग जहां पर किया जाता है व्योपराय है, जो संस्कृत शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, तत्सम शब्द ही होते हैं। तो ये चीज आपको एक फैक्ट, एक ट्रिक आपको याद हो गई कि छा का प्रयोग जिन शब्दों में किया जाएगा वो प्राय है तत्सम शब्द माने जाएंगे। अब बात करें कि जो वावर्ण है वो तद्भव में क्या हो जाता है, बा हो जाता है। जो तत्सम में वावर्ण होता है जहां पर, वो तद्भव में क्या हो जाता है, बावर्ण हो जाता है। जैसे बात करें यहां पर अगर पूछा जाए कि वर्कर का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आपको वा वा से बाकी शब्द दिए होंगे, लेकिन इसका हमने नियम पढ़ा है कि वा का क्या हो जाएगा, बड़ा वा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा इसका तद्भव। जैसे वर्षा का बरसात हो जाएगा, व्याख्यान का वखान हो जाएगा, वानर का वानर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो नियम है वो क्या है कि पैर तत्सम में वावर्ण का जब तद्भव होता है तो वो क्या हो जाता है, बा हो जाता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं कि बड़ा बा का बड़ा बा ही रहता है, जैसे बहुत का बहुत, बंधन का बांधना, बंध का बांध, इस प्रकार से ये रहते हैं। तो ये प्रकार से ये भी आपको देख लेना है। तो क्या हमने ट्रिक क्या पढ़ी कि वा का
क्या हो जा रहा है, बढ़ावा हो जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्राय जिन तत्सम शब्दों में सा स्रा सा और सा होता है उनके तत्व शब्दों में क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे जैसे इस तत्सम शब्द की जो प्रारंभ हो रहा है वो सुक से हो रहा है, इस शक्कर के सा से हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा, सा का इस सरोते का सा हो जाएगा। वैसे ही साग का साग हो जाएगा, ससुर का ससुर हो जाएगा, संड का ये सा से हो रहा है तो ये सांड हो जाएगा, और श्रृंखला का स्र से हो रहा है तो ये भी सा हो जाएगा। तो सा स्रा और सा का जो प्रयोग होगा वो कैसा हो जाएगा, इस सरोते वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर पूछा जाएगा कि सुख का तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि सुख पूछा है, शक्कर का सा आ रहा है, इसका परिवर्तित क्या हो जाएगा, सरोते का सा हो जाएगा, तो आप इससे रिलेटेड शब्द ही वहां पर देखेंगे ऑप्शन में, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात करें चौथी कि प्राय जो रिर शब्द का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में किया जाता है, और जो रिर शब्द आपने पढ़ा होगा इसका प्रयोग कौन से शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में। प्रायः अधिकांशतः जो है रिर शब्द जहां पर भी लगा है, जैसे ऋग्वेद हो गया, घृषण हो गया, यहां पर भ्रमर दिया है, रिक्ष दिया है, और भ्रात भार्य दिया है, तो ये शब्द जो है प्रायः तत्सम शब्द ही होंगे, मतलब तत्सम शब्दों में ही रिर का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द प्रायः तत्सम शब्द ही होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो घर्षण का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, घृषणा हो जाएगा, और भ्रमर, भ्रमर की बात करें तो इसका जो तद्भव होगा वो भौरा, रिक्ष का रीच, और भ्रात भार्या का भाभी, मतलब भाभी को क्या कहा जाता है संस्कृत में, भ्रात भार्या कहा जाता है, और ये जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम जो शब्द होते हैं वो हिंदी में संस्कृत के। तो ये चीज हमें याद यहां पर हो गई कि तत्सम शब्द जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और अर्ध तत्सम जिनका थोड़ा परिवर्तन हुआ, और ज्यादा जिनका परिवर्तन हो गया वो तद्भव शब्द है। ये चीज भी हमें चल गई कि छा शब्द वाले जो, छावर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो प्राय तत्सम होते हैं, और वा का वा हो जाता है, वा तत्सम शब्द जो होते हैं उनका तद्भव में वा हो जाता है, और रिर शब्द वाले जो होते हैं वो प्राय तत्सम शब्द होते हैं, ये चीज भी हमें आज चल गई, और सा सा वाले जो शब्द होते हैं उनका जो तद्भव शब्द होता है वो सरोते वाले सा में जो है परिवर्तित हो जाता है, ये चीज भी यहां पर हमें याद चल गई। तो सा सा वाले भी हो गई। ये चार ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत ही मदद करेगा आपको जो है तद्भव शब्दों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी सवाल आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, उनमें बहुत ही आपको हेल्प करने वाले होंगे ये चार नियम। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो आपको प्राय हो गई कि छा और रिर वाले शब्द तत्सम होते हैं, ये चीज तो आपको याद ही हो गए होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और यहां पर हमने एक बताने का आपको प्रयास किया है, एक ट्रिक निकालने का प्रयास किया है तद्भव शब्दों से संबंधित। तो हमने तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों को यहां पर जाना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और शेयर और लाइक जरूर करें। और संधि का अगर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो जो है चैनल पर उपलब्ध है, समास का उपलब्ध है, पर्यायवाची की ट्रिक है, संधि की भी, समास की भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, संधि की तो बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बताई है, एक बार देखेंगे आप कभी नहीं बोलेंगे। और रचनाओं को अगर पढ़ना चाहते तो रचनाओं को भी आप एक बार पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी रचनाएं, ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, एक निवेदन है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और इसी तरह से जुड़े रहें और जोड़ते रहें सभी लोगों को। जय हिंद।